गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैंने चाय पीने के बाद में और अपने घर की डस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। और मेरे दो बच्चे तो सोए हुए हैं, एक हमारी कुकी है वो जाग चुकी है, वो सुबह सुबह ही जाग जाती है। कभी कभी अंशु भी सुबह सुबह जाग जाता है, पर हमारी जो है चांद नवाब यानी कि बेवो, वो 9-10 बजे से पहले नहीं उठती है। स्कूल जाना होता है तो वो सुबह सुबह उठ जाती है, 6 बजे ही नहा लेती है। अभी ये है स्कूल टाइम नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है। अभी तो बच्चों के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ हो चुकी हैं, तो मैं भी सोचती हूँ सोने देना चाहिए बच्चे को। और ये देखिए लेटे लेटे कुछ खा रही है, चिप्स कुरकुरे खा के अपनी वो देख रही है सिंचैन, आराम से देख रही है, मज़े ले रही है। इसका फेवरेट सीरियल है सिंचैन, इसको ही देखती रहती है सारा दिन। इतना शौक है ऐसा सिंचैन का। और कूलर चल रहा है, कूलर के ऊपर पैर रख के। और ये मेरे घर की सारी डस्टिंग हो चुकी है, लगभग सारा काम हो चुका है। और ये बेबो हमारी किचन में चाय बनाने गई थी, और ये मैंने भिगो रखी है चने की दाल, तो मैं नहा धो के मतलब किचन में आ चुकी हूँ। और ये है अरहर की दाल, तो इसका हमें बनाना है सांभर। और ये मैं दाल मैंने पहले भिगो दी थी और मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो मैं अपने ये बाल बाल सुलझा लेती हूँ अच्छे से, कंघी कर ली है बालों में, नहा के भी आ गई। तब तक भी इसका सिंचैन ही चल रहा है, या डोरेमोन सिंचैन, ये कार्टून वगैरह देखती रहती है और कुछ देखने ही नहीं देती। इतना परेशान करती है लड़की बहुत ज़्यादा ही। और ये है कद्दू पम्पकिन, तो मैं इसको काट लूँगी। जो भी सब्जियाँ हैं आपके घर में सांभर में, तो ज़्यादातर जैसे कि बैंगन है, कद्दू है, और ये कमल ककड़ी है, और ये ऐसी चीज़ें डलती हैं सांभर में, तो और वो ऑरेंज वाली गाजर भी डाल सकते हैं। तो गाइस, मैं अपनी किचन में आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ आज इडली सांभर। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी है, तो अब मैं सांभर की तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये सारी किचन ऐसे ऐसे चॉपिंग वॉपिंग करके सारे सांभर की चॉपिंग कर रखी है मैंने, तो अब मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। और इडली का बैटर मैंने तैयार कर लिया है, उसको भी दिखाऊंगी अभी। तो ये मैंने आलू लिए थे, अभी 5 किलो आलू लिए थे, बेकने वाला आया था। तो इसके कुकी के पापा ने, बेबो के पापा ने, अंशु के पापा ने तुलवा लिए थे। और ये मैक्रोनी भी ली थी, तेज पत्ता भी लिया था। और ये मेरा इडली का बैटर है, दाल चावल वाला बैटर है, तो इसको भिगो दिया था, भिगोने के बाद में पीस लिया था। इसका खमीर उठा लिया था 4-5 घंटे के लिए। और ये मैंने कढ़ाई रखी थी गैस पे, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये इसमें करी पत्ते हैं, सूखी सूखी लाल मिर्चें हैं, और राई है, तो वो मैंने इसमें तड़के में डाल दी है। और ये इसमें मैंने एक प्याज काटी है बड़ी बड़ी। कुछ लोग सांभर में प्याज नहीं डालते, बट मुझे प्याज का फ्लेवर, कभी कभी नया फ्लेवर भी ट्राई करना चाहिए, और एक ही फ्लेवर पर ज़िंदगी नहीं कटती है। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में मैंने इसमें एक टमाटर डाला है, हरी मिर्च भी डाली थी 2-3 बारीक बारीक कटी हुई। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें, और इसको अच्छे से भूनने देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने और डाली है, मुझे लग रहा था कि थोड़ी कम है हल्की सी। और ये जो है सब्जियां जो है, पम्पकिन है, गाजर है, बीन्स है, यही सब्जियां थी मेरे पास में, और सब्जियां नहीं थी। तो मैं कहीं बाहर भी नहीं गई खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे अभी कोविड होके चुका है, तो अभी मैं बाहर भी नहीं जाती। जो भी सब्जी वाला आता है मैं मतलब दूर से ही कह देती हूँ कि भैया मुझे ये सब्जी दे दो। तो गाइज, ये हमारी चटनी का सामान है, सूखा नारियल है, और 4-5 हरी मिर्च है, ये मैंने काट कर रखी है। और ये अदरक है, ये चने की दाल है भीगी हुई, और ये मूंगफली है कच्ची, तो मैं इसकी बनाऊंगी चटनी। तो ये चटनी के लिए मैंने जार निकाल लिया है, और ये जार में ये सारा सामान है चटनी वाला डाल दूंगी। और ये दही का टिफिन है, मैंने बाहर निकाल लिया है, अब बिल्कुल ठंडा हो रहा है, टिफिन भी चील्ड, तो इसमें मैंने 2 चम्मच दही डाला है, और 1/2 चम्मच नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डल गई है मेरे से मतलब गलती से, कोई बात नहीं, देखते हैं तीखी बनती है या कैसी बनती है। और ये इसमें हमारी सांभर वाली सब्जियां भी लगभग पककर तैयार हो चुकी हैं, तो इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना,
क्रंची क्रंची लगनी चाहिए हमें खाने में। अमचूर डाला है 2 चम्मच बड़ी लेके और उसको पानी में घोलकर, क्योंकि मेरे घर में इमली नहीं थी तो इससे खट्टापन अच्छा आता है। ये मैंने सांभर मसाला डाला है पूरा एक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सांभर की। तो मैं तो गाइस इसी तरीके से बनाती हूँ सांभर, और काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये मेरी दाल है, दाल भी मेरी उबल चुकी है, इसको मैं अच्छे से चला लूँगी ताकि दाल का कोई भी दाना नहीं रहे। अच्छे से मैंने मिला ली है और सांभर अच्छे से इसको उबालेंगे, खदकाएंगे तब तक इसमें अच्छा सा एक कलर नहीं आ जाए। और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा कलर रेस्टोरेंट स्टाइल में आ जाता है, बट नेचुरली चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ये मैंने अपना इडली कुकर उतार लिया है और ये काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ है, इसको मैंने साफ़ किया था पहले। और ये देखिए हमारा सांभर उबल चुका है और बहुत टेस्टी बना था सांभर। सांभर मैंने बहुत सारा खाया था। तो ये देखिए हमारा सांभर भी अच्छे से उबल चुका है, और मैंने इसमें 1 चम्मच सांभर मसाला और डाला था बाद में ताकि अच्छा सा और फ्लेवर आ जाए इसमें। और हमारी चटनी भी पिस के तैयार हो चुकी है। इसमें भी मैंने करी पत्ता, लाल मिर्ची और मैंने राई के दाने थोड़े से मोटे सरसों के दाने दोनों चीज़ मिला के डाली हैं। तो इसमें मैंने चटनी में अच्छा सा तड़का लगा दिया है। ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, यम्मी सी टेस्टी सी। और ये मैं इडली का बैटर, ये मेरा इडली कुकर है ना, इसके वो हैं छेद थोड़े बड़े हैं, अगर मैं कपड़ा नहीं लगाती तो नीचे के साथ साइड मतलब पानी में इसका बैटर मतलब टपकता है, तो इस वजह से मुझे इसमें कपड़ा लगाना पड़ता है, तो तभी ये परफेक्ट इडली बनती है, वरना नहीं बनती। तो काफ़ी साल पुराना है ये, कम से कम 13-14 साल पुराना कुकर है ये। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म इडली बन के रेडी हो चुकी है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे सिंचन से प्यार से बात करनी चाहिए। हमारी चांद नवाब पीछे, ये भी सिंचन लवर है, ये तो छोटी वाली से भी बड़ी लवर है, कुछ भी बोलती रहती है। और ये हमारी इडली देखो गर्मा गर्म निकल रही है ना अच्छे से। तो ये देखिए अच्छी सॉफ्ट बनी थी, काफ़ी गर्म थी, ये देखिए गाइस स्पॉन्जी भी बनी है और काफ़ी टेस्टी थी, सबने काफ़ी तारीफ करी थी। और ये लीजिए, ये पहली बाइट तो आप चटनी के साथ खाइए, दूसरी वाली सांभर के साथ भी खिलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है खाली चटनी चटनी के साथ खिलाऊंगी। तो ये लीजिए, आ जाइएगा, यम्मी सा सांभर इडली खा लीजिएगा और साथ में नारियल की चटनी। और ये देखिए गाइस सांभर इडली खाने के बाद में, दोपहर के टाइम में इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, यहाँ एकदम से तूफान आया था बहुत ही भयंकर वाला, और इतने गेट भी अपना आप ही हिल रहे थे। तो मैंने बोला उससे गेट बंद करा कर दे, ये कर दे वो कर दे, पर बच्चे ये गेट खोल कर बाहर आराम से नज़ारा देख रहे हैं बारिश का। काफ़ी तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा ही, कम से कम 1-1.5 घंटे रही थी ये बारिश। और मैं भी चली गई थी चुपचाप से, और पीछे से मेरे ससुर जी देख रहे थे कहाँ जा रही है ये, और मैंने सर पे चुन्नी रख ली थी। अभी मैं सर पे चुन्नी रख के रहती हूँ, घूंघट करती हूँ ससुर जी के सामने। और ये शाम हो चुकी है और ये शाम की आरती कर रही हूँ मैं। और ये बारिश वारिश, घर में इन्वर्टर है तो लाइट का पता ही नहीं लगता, बट यहाँ पे लाइट गई हुई है 2-3 घंटे से, तो बारिश के मौसम में लाइट चली जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ भी होता था जब हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था। तो अभी मैं आरती दे दी है भगवान जी को, तो सुबह शाम अच्छे से पूजा कर लो ना तो मन शांत रहता है, एकदम घर में सुख शांति रहती है। और ये देखिए लड्डू मेरे ससुर जी लाए थे सुबह, लड्डू बूंदी के, तो मैं अपने भगवान जी को खिला रही हूँ। और सबसे पहले इनका ही भोग लगाती हूँ जो भी कोई चीज़ आती है घर में, क्योंकि सबसे पहले हमारे भगवान जी हैं, बाकी सब बाद में, लड्डू गोपाल हैं। तो मेरी शाम की पूजा हो चुकी है, तो मैं वीडियो एंड करने से पहले जो कल मैंने सामान मंगाया था वो दिखाती हूँ आपको। बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो ये मंगाया है मैंने। एक तो ये है, क्या है, अप्पम मेकर है ये इसका हैंडल यहाँ लग जाएगा,
अभी लगाया नहीं है, ये अपम पलटने का है। ऐसे बनाएंगे तो इससे इजीली मतलब बन जाएगा ये, और ये इस तरह से बंद होता है। तो ये इसका ना सफाई करने का, ये इसमें साथ में ये कि ये दे रखा है इसमें, ये इससे साफ होता है। तो ये बेस्ट एक की है कंपनी, तो ये हमने ऑर्डर नहीं की थी, ये दुकान से ही लेके आए हैं। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैंने उनको बोल दिया था तो वो ही ले आए थे। ये है नॉनस्टिक की कढ़ाई, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये स्पैचुला है, ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई है। ये इंडक्शन पे भी चलती है, ये ग्रेनाइट वाली है, ये ग्रेनाइट की है, नॉनस्टिक है, ग्रेनाइट नहीं है, नॉनस्टिक है। हाँ, नॉनस्टिक लिखा हुआ है इस पे, ग्रेनाइट नहीं है। और ये इसके ऊपर ढकने वाला है, ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई। बोलो तो कैसा लगा आपको मेरा ये सामान। अब मैं जब भी बनाऊंगी इस कढ़ाई में कुछ मीठा बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम मिठाई बनाते हैं किसी भी बर्तन में। तो अप्पम में भी मीठा कैसे बनाओगी? अप्पम में भी बनता है मीठा, मीठा अप्पम में बनता है, चॉकलेट अप्पम बनते हैं, तुझे क्या पता? हाँ, मैं तो कुछ पता नहीं। चलो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस कढ़ाई के लिए भी एक लाइक तो बनता है, जो मेरी कढ़ाई और ये अपम मेकर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।